डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का इंग्लिश राइम्स पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वह है 1 2 3 4 5। क्या है? 1 2 3 4 5। ठीक है, आज का जो हमारा कविता है वह है 1 2 3 4 और 5। इस कविता में एक छोटी बच्ची है जो क्या कर रही है, मछली पकड़ने गई है। ठीक है, जैसे कि आप लोग फिगर में देख रहे हैं, एक बच्ची है, वो क्या कर रही है, मछली पकड़ने गई है। तो जैसे ही वो क्या करती है, मछली को छोड़ती है, मछली क्या करती है, उसकी उंगली में काट लेती है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस कविता का अर्थ बताएंगे। 1 2 3 4 5। वंस आई कॉट ए फिश अलाइव, 6 7 8 9 10, देन आई लेट इट गो अगेन। वाई डिड यू लेट इट गो? बिकॉज इट बिट माई फिंगर शो। विच फिंगर्स डिड इट बाइट? दिस लिटिल फिंगर ऑन माई राइट। देखा आपने, फिर से एक बार पढ़िए। 1 2 3 4 5। वंस आई कॉट ए फिश अलाइव, 6 7 8 9 10, देन आई लेट इट गो अगेन। व्हाई डिड यू लेट इट गो? बिकॉज इट बिट माय फिंगर शो। व्हिच फिंगर डिड इट बाइट? दिस लिटिल फिंगर ऑन माय राइट। ठीक है, लड़की कह रही है 1 2 3 4 5। हम अब क्या जानेंगे, इसका अर्थ जानेंगे। कह रही है कि 1 2 3 4 5, वंस आई कॉट ए फिश अलाइव, एक बार मैंने जिंदा मछली पकड़ी। कॉट मिस होता है पकड़ना, फिश मिस होता है मछली, अलाइव मिस जिंदा, वंस मिस एक बार। एक बार मैंने जिंदा मछली पकड़ी। ठीक है, जो छोटी बच्ची है वह क्या पकड़ी, जिंदा मछली पकड़ी। 6 7 8 9 10, देन आई लेट इट गो अगेन। ठीक है, फिर कह रही है कि जब मैंने इस मछली को पकड़ लिया, फिर मैंने इसे क्या किया, दोबारा जाने दिया। ठीक है, क्या कर रही है, फिर उसने मछली को क्या किया, पकड़ लिया, फिर उसको क्या की, दोबारा जाने दी। वाई डिड यू लेट इट गो? फिर उसने पूछा कि आपने इसे दोबारा जाने क्यों दिया। जब छोटी बच्ची ने मछली को पकड़ लिया, तो उसको फिर दोबारा क्या की, छोड़ दी, जाने दी। फिर कोई पूछा कि आपने इसे दोबारा जाने क्यों दिया। ठीक है, फिर करे बिकॉज इट बिट माई फिंगर सो, विच फिंगर डिड इट बाइट? दिस लिटिल फिंगर ऑन माई राइट। बिकॉज इट बिट माई फिंगर सो, क्योंकि यह मेरी उंगली में क्या की थी, काट ली थी। कह रही है क्योंकि यह मेरी उंगली में काट ली थी। तो फिर कह रही है विच फिंगर डिड इट बाइट? किस उंगली ने काट लिया, जो मछली है क्या की थी, उसके लड़की के फिंगर को काट लिया था। तो फिर उससे पूछा गया कि विच फिंगर डिड इट बाइट? किस उंगली में काट लिया? दिस लिटिल फिंगर ऑन माई राइट, मेरी दाई ओर एक छोटी उंगली में मछली ने काट लिया। ठीक है, फिर से समझिए। कह रही है 1 2 3 4 5। ठीक है, वंस आई कॉट ए फिश अलाइव, कह रही है कि एक बार मैंने जिंदा मछली पकड़ी। 6 7 8 9 10, देन आई लेट इट गो अगेन। फिर क्या की, उसने एक जिंदा मछली पकड़ी, फिर क्या की, तो मैंने इसे क्या की, दोबारा जाने दी। जब उसने मछली को पकड़ा, तो उसने क्या किया, उसको दोबारा उस पानी में जाने दिया। व्हाई डिड यू लेट इट गो? फिर किसी ने पूछा, तुमने उसे दोबारा क्यों जाने दिया। बिकॉज इट बिट माई फिंगर शो, क्योंकि उसने मेरी उंगली में काट लिया था। विच फिंगर डिड इट बाइट? फिर से पूछा गया किस उंगली में उसने काटा था। दिस लिटिल फिंगर ऑन माई राइट, मेरे दाहिने छोटी उंगली में उसने काटा था।
किस उंगली में काटा था? छोटी उंगली में काटा था। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मछली है, उसने क्या किया है, इस लड़की के छोटी वाली फिंगर को क्या किया है, काट लिया है। जब मछली ने इसके फिंगर को काट लिया तो इसने क्या किया, उस मछली को दोबारा उसे जाने दिया। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग भी मछली खाए होंगे। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को यह कविता पसंद आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।